2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कई बयान दिए थे, उन्हीं में से एक बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। मोदी जी ने 2014 में चुनाव जीतने से पहले बयान दिया था कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तब वे कमेटी बनाएंगे जिससे वे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाले नेता जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने ठान के रखी है कि 16 मई को बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी, नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में, मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने जीत है जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह है जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ, और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट। अब देखते हैं असल में हालात है क्या। हाल ही में मोदी सरकार की नई कैबिनेट का विस्तार हुआ, कई नए नेता इसमें शामिल हुए। रिपोर्ट की माने तो 42% मंत्री नई कैबिनेट में ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बता दें मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में 78 मंत्रियों को जगह मिली है, जिनमें से 33 मंत्रियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की बात स्वीकारी है। इनमें से 24 मंत्री यानी 31% के ऊपर गंभीर किस्म के मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट जैसे संगीन अपराध भी दर्ज हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार से सांसद व अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बड़ला पर 24 गंभीर किस्म की धाराओं वाले 9 मामले और 38 अन्य मामले दर्ज हैं। देश के सबसे कम उम्र 35 साल के नए गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। निशित प्रमाणिक पर 11 मामले 21 गंभीर किस्म की धाराओं के हैं। वहीं वित्त राज्य मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी पर हत्या के प्रयास के कुल 5 मामले दर्ज हैं। साथ ही विदेश व संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी इन मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगे? आप अपने राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।